अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। लेक्चर 7 ऑफ मैथमेटिक्स यूनिट 5 लीनियर इक्वेशंस एंड सिंपल इनइक्वालिटीज। एक्सरसाइज 5 सी स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। व्हेन लोडेड विद ब्रिक्स अ लॉरी हैज अ मास ऑफ 11,600 kg। यहाँ किस चीज़ की बात की जा रही है? यहाँ लोरी की बात की जा रही है एंड ब्रिक्स की बात की जा रही है। ब्रिक्स मीन्स टू से ईंटें, ठीक है। और लोरी क्या है? एक ऐसी व्हीकल है जिस पे हम क्या करते हैं, चीज़ों की शिफ्टिंग करते हैं। फॉर एग्जांपल आप ट्रक ले लें, ट्रॉली ले लें, जिनके फोर व्हील्स होते हैं, ठीक है, चार पहिए होते हैं, तो उन पे हम क्या करते हैं, चीज़ों की शिफ्टिंग करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह चीज़ों को पहुँचाते हैं, ठीक है। जैसे कंस्ट्रक्शन साइट पर आपको अगर रिक्वायरमेंट है ईंटों की, तो किन से रब्ता किया जाता है? लोरी वालों से कहा जाता है, ऐसी व्हीकल से कहा जाता है जिसके फोर पहिए हैं, ट्रक हो गया, ट्रॉली हो गया, उनसे कहा जाता है कि ईंटें हमें दे जाएं, हमारे पास पहुंचा दें ईंटें, ठीक है। तो यहाँ भी बात की जा रही है कि एक लोरी है, एक ट्रक या ट्रॉली कंसीडर कर लें, उसमें क्या है, ब्रिक्स हैं, यानी कि ईंटें हैं। अब ट्रॉली के ऊपर ईंटें लोडेड हैं, तो वो जो टोटल वेट बनता है, उनका जो टोटल मास बनता है, वो कितना है, 11,600 kg, ठीक है। याद रहे कि लोरी के ऊपर ईंटें लोडेड हैं, ब्रिक्स उसके ऊपर लोडेड हैं, देन उनका मिला के जो वजन है वो कितना है, 11,600 kg, ठीक है। टोटल मास उन्होंने आपको बता दिया। नेक्स्ट बात क्या की, इफ़ द मास ऑफ द ब्रिक्स इज 3 times दैट ऑफ द एम्प्टी लॉरी। उसने कहा कि जो ब्रिक्स का मास है वो क्या है, 3 times दैट ऑफ द एम्प्टी लॉरी, यानी कि ईंटों का वजन खाली लॉरी का 3 times है, यानी 3 times ज़्यादा है। अगर खाली लॉरी है, यानी जो व्हीकल है, ट्रक या ट्रॉली खाली है, तो जो उसका वजन होगा वो, और जो ईंटों का वजन है वो उस खाली ट्रॉली का 3 times है, यानी 3 times ज़्यादा है, ठीक है। 3 times ऑफ द एम्प्टी लॉरी, एम्प्टी लॉरी का 3 times है। फाइंड द मास ऑफ द ब्रिक्स, ब्रिक्स का मास फाइंड करें, यानी ईंटों का आपने मास बताना है कितना है, ठीक है। यहाँ जब हम इस पर गौर करते हैं तो देखते हैं कि ब्रिक्स और एम्प्टी लॉरी एक दूसरे के साथ लिंक है, इनके दरमियान रिलेशन बन रहा है। तो ब्रिक्स का तो आपको बता दिया कि वो क्या है, 3 times है, ठीक है। ब्रिक्स के बारे में आपको हिंट दे दिया गया, वो 3 times है किसका, एम्प्टी लॉरी का। लेकिन हमें एम्प्टी लॉरी के बारे में नहीं पता कि उसका मास कितना है, उसका वजन कितना है। तो जब तक एम्प्टी लॉरी का मास पता नहीं होगा, हम कैसे कह सकते हैं कि ब्रिक्स 3 times है उससे, ठीक है। एम्प्टी लॉरी का मास फाइंड होगा, देन हम ये इस चीज़ को हम यूज़ कर सकते हैं कि वो 3 times ऑफ द एम्प्टी लॉरी मास, ठीक है। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, एम्प्टी लॉरी का मास कंसीडर करेंगे xkg, देन हम इस कंडीशन को यूज़ करेंगे जो आपको क्वेश्चन के स्टेटमेंट में गिवन है कि हमारे पास जो ब्रिक्स का मास है वो कितना है, 3 times दैट ऑफ द एम्प्टी लॉरी। लेट मास ऑफ द लॉरी इक्वल टू xkg, ठीक है। हमने क्या कहा कि जो हमारे पास लोरी है, एम्प्टी लोरी, खाली लोरी है, उसका मास कितना हो गया, xkg हो गया, ठीक है। यहाँ पे आप एम्प्टी भी लिखते हैं, ठीक है। एम्प्टी लोरी है हमारे पास, खाली जो लोरी है, जो खाली वो ट्रॉली है, उसका मास है xkg। देन हमारे पास मास कितना हो जाएगा ब्रिक्स का, मास ऑफ ब्रिक्स हमारे पास कितना हो जाएगा, इक्वल टू 3 x xkg। उसने कहा कि जो आपके पास ब्रिक्स का मास है वो क्या है, वो एम्प्टी लोरी का 3 times है, यानी 3 times ज़्यादा है, 3 times दैट ऑफ द एम्प्टी लोरी। एम्प्टी लोरी का मास कितना था, x, तो मास ऑफ ब्रिक्स कितना हो जाएगा, x का 3 times, यानी 3 को x के साथ हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपके पास क्या मिल जाएगा, एम्प्लॉइज दैट 3 x kg, ठीक है। तो अब मैं एम्प्टी लोरी का मास कितना हो गया, xkg, मास ऑफ ब्रिक्स कितना आपके पास हो गया, 3 x kg। देन अब अगली स्टेटमेंट यूज़ करते हैं, उसमें आपके पास क्या है कि व्हेन लोडेड विद ब्रिक्स अ लोरी हैज़ अ मास ऑफ 11,600 kg, यानी कि मास ऑफ ब्रिक्स एंड लोरी मिला के जो टोटल मास था वो कितना था, 11,600 kg। मीन्स टू से कि अगर हम एम्प्टी लोरी का मास और ब्रिक्स का मास ऐड करें तो इनका टोटल कितना है, 11,600 kg। तो इनको ऐड करते हैं, x प्लस 3x इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 11,600 kg, ठीक है। ये आपके पास मास गिवन है 3x, और यहाँ x है, ये x आपके पास एम्प्टी लोरी है, 3x आपके पास किसका मास है, ब्रिक्स का मास है। इन दोनों का टोटल कितना है वो आपको गिवन था, 11,600 kg, ठीक है। x प्लस 3x आपके पास कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा, इक्वल टू 11,600, ठीक है।
अब आपने क्या फाइंड करना है, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जाहिर सी बात है कि 4 जो यहाँ मल्टीप्लाई तो उस साइड पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, एक्स इक्वल टू 11,600 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, यहाँ पे आपके पास 4 मल्टीप्लाई है, जब इसको राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर फाइंड करते हैं, 11,600 डिवाइडेड बाय 4, तो आपके पास क्या आंसर आया, 2,900। तो एक्स क्या आ गया, 2,900। ठीक है, तो अब आपके पास ये किसका मैस आ गया, ये मैस आपके पास आया है एम्प्टी लोरी का मैस। किसका मैस आया, एम्प्टी लोरी का मैस कितना आ गया, मैस ऑफ एम्प्टी लोरी इक्वल टू 2,900 kg। ये आपके पास मैस किसका आ गया, एम्प्टी लोरी का। उन्होंने किस चीज़ का पूछे आपसे, मैस ऑफ द ब्रिक्स यानी कि ईंटों का मैस बताएं, वो कितना हमने कंसीडर यहाँ पे किया अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, 3x kg। तो यहाँ पे x की अगर वैल्यू हम पुट कर दें तो हमारे पास किसका मैस आ जाएगा, मैस ऑफ ब्रिक्स आ जाएगा। तो मैस ऑफ ब्रिक्स इक्वल टू 3x kg, मीन्स टू से 3x की जगह पे आप पुट करेंगे 2,900 kg, देन आपके पास कितना आंसर आएगा, 2,900 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये आपके पास कितना आंसर आ गया, 8,700 kg। तो ये आपके पास आंसर आ गया। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, आपको नहीं थोड़ी सी इसकी कॉमन सेंस यूज़ करनी है। आपको टोटल मैस दे दिया गया ब्रिक्स का और ट्रॉली का। ठीक है, ट्रक यूज़ कह दें आप, ट्रक कह दें उसे, ट्रॉली कह दें, लोरी का और ब्रिक्स का टोटल मैस गिवन था। देन आपको मजीद उन्होंने ये चीज़ बताई कि जो ब्रिक्स हैं, जो ईंटें हैं, वो क्या हैं, खाली ट्रॉलीज का 3 गुना ज़्यादा है, उनका मैस यानी 3 गुना ज़्यादा है, 3 टाइम है। ठीक है, तो हमने एम्प्टी लोरी का मैस कंसीडर कर लिया xkg, ब्रिक्स का मैस हमने कहा कि वो कितना हो जाएगा, 3 टाइम यानी मीन्स टू से 3x हो जाएगा, 3x kg। देन हमने भी कंडीशन यूज़ की कि दोनों का टोटल मैस कितना था, 11,600 kg। देन हमने मीन्स टू से x को, एम्प्टी लोरी को और ब्रिक्स के मैस को ऐड किया, इक्वल टू हमने ये टोटल अमाउंट कर दी। ठीक है, टोटल जो उनका मैस था उसके इक्वल कर दिया हमने। देन इसको हमने सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करने के बाद हमें x की वैल्यू फाइंड आउट हुई जो क्या था, 2,900 kg। ठीक है, ये किसका मैस था, ये आपको एम्प्टी लोरी का मैस मिला। देन हमने फाइंड किसका करना था, मैस ऑफ ब्रिक्स यानी कि 3x kg आपके पास मैस ऑफ ब्रिक्स है। एक्स की हमने वैल्यू पुटिंग की, उसके बाद हमने उनकी मल्टीप्लीकेशन की, तो ये आपके पास 8,700 kg मैस आया, मैस ऑफ ब्रिक्स। तो ये क्वेश्चन 1 आपका कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन 2 की तरफ चलते हैं। द सम ऑफ 4 कंसेक्यूटिव ओड नंबर्स इज 56। ठीक है, उसने क्या कहा कि ओड नंबर्स हैं, कितने हैं, 4 कंसेक्यूटिव ओड नंबर्स हैं, उनका सम लिया जाए तो वो कितना आता है, 56 आता है। फाइंड द ग्रेटेस्ट ऑफ द 4 नंबर, कि आपने 4 ग्रेटेस्ट नंबर जो सा है वो फाइंड करना है आपने। ठीक, अब आपके पास यहाँ क्या बात की जा रही है, उसने कहा कि 4 कंसेक्यूटिव ओड नंबर्स हैं। ठीक है, ओड नंबर्स आपको पता है कि क्या, कौन से नंबर्स होते हैं, ऐसे नंबर्स जो 2 के टेबल में नहीं आते या 2 पे डिविजिबल नहीं होते, 2 पे यानी कि डिवाइड नहीं होते। फॉर एग्जांपल 1, 3, 5, 7, ठीक है, 9, 11, ये तमाम नंबर्स कैसे हैं, ये ऐसे नंबर्स हैं जो 2 के टेबल में नहीं आते और ना ही 2 पे डिवाइड होते हैं। ठीक है, तो उसने कहा कि ऐसे 4 नंबर्स आपने लिए, ठीक है, उन नंबर्स का आपने सम अगर करें तो वो आंसर आता है 56। देन उसने जो चीज़ पूछी है वो कहता है कि वो जो 4 नंबर्स आपने कंसीडर किए हैं उसमें जो आपके पास लास्ट वाला नंबर होगा, यानी जाहिर सी बात है वो सबसे ग्रेटर नंबर होगा, फर्स्ट नंबर आपके पास क्या होगा, स्मॉल होगा, देन नेक्स्ट नंबर उससे बड़ा, फिर थर्ड वाला नंबर उससे बड़ा, एंड फोर्थ वाला नंबर सबसे बड़ा होगा। तो वो जो फोर्थ वाला नंबर होगा, फोर्थ पोजीशन प्लेस पे जो नंबर आ रहा है आपका ओड नंबर, वो उन्होंने कहा है कि फाइंड आउट करें। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या कहते हैं, कंसीडर करते हैं एक नंबर एन। ठीक है, लेट स्मॉलेस्ट और फर्स्ट, स्मॉलेस्ट फर्स्ट ऑड नंबर इक्वल टू एन। ठीक है, हमने क्या किया, स्मॉलेस्ट ऑड नंबर कंसीडर कर लिया, जो कि क्या है, हमने लिया एन ले लिया। देन सेकेंड ऑड नंबर इक्वल टू एन प्लस 2।
अब यहाँ पे n प्लस टू क्यों किया हमने, इसको ज़रा सा थोड़ा सा समझ लें। हमने कहा कि जो स्मॉलेस्ट फर्स्ट ऑड नंबर है हमारे पास, फर्स्ट जो सबसे छोटा ऑड नंबर है वो हमने ले लिया l, ठीक है, सॉरी n ले लिया, लेट कर लिया हमने n। अब सेकेंड ऑड नंबर हमने कैसे बनाया, n अगर फॉर एग्जांपल मैं 1 लेती हूँ, ठीक है, 1 हो गया, 3 हो गया, 5, 7, तो ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, स्मॉलेस्ट ऑड नंबर। अगर हम कंसीडर करें 1 ले लें तो यहाँ 1 स्मॉलेस्ट होगा, अगर हम 3 कंसीडर करें तो यहाँ 3 होगा, यानी जो आंसर होगा उसके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब जो सेकेंड ऑड नंबर बनाया वो हमने कैसे बनाया कि अगर n को 1 लेते हैं तो 1 प्लस 2 क्या हो जाएगा, 3, देन 1 के बाद अगला कंसेक्यूटिव नंबर ऑड नंबर कौन सा होता है, 3, 2 तो 2 के टेबल में आता है, 2 पे डिविजिबल है, 3 के बाद कौन सा कंसेक्यूटिव नंबर है, 5, तो अगर n की जगह पे हम 3 पुट कर दें यहाँ पे तो 3 प्लस 2 क्या बन जाएगा, 5 बन जाएगा, ठीक है। अगर हम n को 5 लेते हैं तो 5 प्लस 2 क्या हो जाएगा, 7, तो 5 के बाद नेक्स्ट कंसेक्यूटिव नंबर, नेक्स्ट जो उससे अगली वाला नंबर होता है, कंसेक्यूटिव मीन्स टू से कि एक जो नंबर है किसी भी रूल्स के अकॉर्डिंग या स्टेप वाइज जो आपके पास नंबर है उससे नेक्स्ट वाला नंबर, ठीक है, उससे अगले वाला 7 वाला जो नंबर है, ठीक है। तो ऑड नंबर्स की बात की जा रही है तो ऑड में कंसेक्यूटिव कौन सा होता है, 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, ठीक है। तो जब भी आपने ऑड नंबर्स फाइंड करने हैं तो n के अंदर आप क्या करते जाते हो, ठीक है, उसके अंदर आप 2 को ऐड करते जाते हो। n था तो इसके अंदर हमने 2 को ऐड किया तो सेकंड ऑड नंबर बनेगा, इसके अंदर मजीद आप 2 को ऐड कर देंगे तो थर्ड ऑड नंबर बनेगा, फिर आप 2 को ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा, फोर्थ ऑड नंबर बन जाएगा, ठीक है। तो आप कहते हैं देन थर्ड ऑड नंबर इक्वल टू एन प्लस टू प्लस टू। अभी मैंने बात की कि जो आपके पास ऑड नंबर होता है उसके अंदर आप 2 को ऐड कर दें तो आपके पास अगला कंसेक्यूटिव ऑड नंबर आ जाता है, तो ये कितना बन जाएगा, एन प्लस टू प्लस टू, तो एन प्लस फोर, ठीक है। फर्स्ट ऑड नंबर आपके पास क्या हो गया, एन, सेकेंड ऑड नंबर क्या हो गया, एन प्लस टू, थर्ड ऑड नंबर क्या हो गया, एन प्लस फोर, देन फोर्थ ग्रेटेस्ट ऑड नंबर, तो वो आपके पास क्या हो जाएगा, सॉरी ग्रेटेस्ट ऑड नंबर आपके पास क्या हो जाएगा, एन प्लस फोर प्लस टू, ठीक है। अभी हमने कहा कि जो आपके पास कंसेक्यूटिव नंबर होते हैं उसमें अगले वाले के अंदर आप 2 को ऐड कर दें तो नेक्स्ट वाला कंसेक्यूटिव नंबर आ जाता है, ठीक है। तो आपके पास क्या आ गया, एन प्लस फोर प्लस टू, तो इक्वल किसके हो जाएगा, एन प्लस सिक्स, ठीक है। फर्स्ट ऑड नंबर आपके पास क्या है, n है, सेकंड n प्लस टू, थर्ड आपके पास n प्लस फोर हो गया, और आपके पास फोर्थ वाला क्या हो गया, ग्रेटेस्ट नंबर n प्लस सिक्स, तो ये आपके पास 4 ऑड नंबर्स आ गए हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या बताया हुआ है कि सम ऑफ द 4 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर इज 56, अगर इन चारों को ऐड किया जाए, इनका सम लिया जाए तो आंसर कितना आता है, 56। तो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट हम लिखते हैं, उसने कहा कि आपके पास ये जितने भी ऑड नंबर्स हैं इनको आप ऐड कर दें तो आंसर कितना आता है आपके पास, 56। तो हमने ये 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स को ऐड किया अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, तो आंसर सम कितना आ गया, 56 आ गया, ठीक है। अब n को एक साइड पे कर लेते हैं, आप मीन्स टू से उनको कंबाइन कर लेते हैं, कितने n आपके पास, 1 2 3 4, देन 2 प्लस 4 प्लस 6 इक्वल टू 56 हो गया आपके पास, ठीक है। n प्लस n प्लस n प्लस n प्लस, तो ये कितना बना, 4n, ठीक है। 2 प्लस 4 6, 6 प्लस 6 आपके पास क्या हो जाता है, 12 हो जाता है, और ये कितना आ गया, 56 आ गया, ठीक है। 4n इधर रहता है, 12 को हम उस साइड पे ले जाते हैं, क्योंकि फाइंड हमने क्या करना है, n फाइंड करना है, तो 4n को हम एक साइड पे रखते हैं, 12 को हम राइट हैंड साइड पे मूव करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 56 माइनस 12, तो आंसर कितना आपके पास आ गया, 44, 4n इक्वल टू 44 आ गया, ठीक है। फाइंड आपने क्या करना है, n, तो ये क्या हो जाएगा, 44 डिवाइडेड बाय 4, 4 लेफ्ट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई है, जब इसको आप राइट हैंड साइड पे मूव करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड, कटिंग करते हैं, 4 1 द 4 4 1 द 4 4 1 द 4, तो n आपके पास क्या आ गया, 11 आ गया, यानी कि सबसे जो पहला आपका ऑड नंबर था, स्मॉलेस्ट ऑड नंबर कितना आ गया, 11, ठीक है। अब सेकंड फाइंड करना चाहेंगे तो n की जगह पे क्या पुट करेंगे, 11 प्लस 2 क्या हो जाएगा, 11 प्लस 2 आपके पास क्या हो जाएगा, 13, ठीक है। फर्स्ट आपका 11 है, देन नेक्स्ट कंसेक्यूटिव ऑड नंबर क्या हो जाएगा, 13, देन आप इसमें पुट करेंगे, ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 15, ठीक है। 11 प्लस 4 आपके पास क्या हो जाएगा, 15, देन थर्ड कंसेक्यूटिव नंबर आपके पास क्या बना, 15, फोर्थ ग्रेटेस्ट नंबर में पुट करेंगे तो n प्लस 6, 11 प्लस 6 आप करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 17, यानी कि फोर्थ ग्रेटेस्ट नंबर आपके पास क्या बन गया, 17। तो वही चीज हमसे वो पूछ रहे थे कि फाइंड द ग्रेटेस्ट ऑफ द फोर्थ नंबर्स, यानी जो 4 नंबर्स हैं उनमें आपने क्या फाइंड करना है, ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करना है। तो करते हैं द ग्रेटेस्ट
या आप इस तरह कर लें ग्रेटेस्ट ऑफ द फोर्थ नंबर्स इक्वल टू एन प्लस सिक्स, एन की जगह पे 11 प्लस 6, तो आंसर क्या आपके पास इम्प्लाइज दैट 17, तो आंसर आपके पास क्या आ गया 17 आ गया, ठीक है। जो आपका ग्रेटेस्ट ऑफ द फोर्थ नंबर्स था, जो उन्होंने चीज़ पूछी हुई थी फाइंड द ग्रेटेस्ट ऑफ द फोर्थ नंबर्स, वो हमने फाइंड किया, एन प्लस 6 हमने कंसीडर किया था जब हमने लेट किया, ठीक है। तो उसमें हमने वैल्यू पुट की, एन की जगह पे 11 जो हम फाइंड आउट कर चुके हैं, तो 11 प्लस 6 आपके पास क्या हो गया 17। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। एम्ब्रियास इज 4 ईयर ओल्डर देन प्रिया एंड शर्ली इज 2 ईयर्स यंगर देन प्रिया, इफ़ सम ऑफ देयर एजेस इज 47, फाइंड द रिस्पेक्टिव एजेस। इसमें अब क्या चीज़ की बात की जा रही है, इसमें एम्ब्रिया, प्रिया एंड शर्ली की बात की जा रही है, ठीक है। उन्होंने कहा कि जो एम्ब्रिया है वो क्या है, प्रिया से 4 साल बड़ी है, ठीक है। ओल्डर मीन्स टू से कि वो 4 साल प्रिया से बड़ी हैं। जो शर्ली हैं वो क्या हैं कि 2 ईयर्स यंगर, यानी कि वो प्रिया से 2 साल छोटे हैं, ठीक है। तो यहाँ 3 पर्सन्स की बात की जा रही है, 3 पर्सन्स की बात हो रही है कि 3 लोग हैं जिसमें जो प्रिया है उससे 4 साल बड़ी कौन सी हैं, एम्ब्रिया, और उनसे 2 साल छोटे क्या हैं, शर्ली हैं, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, एम्ब्रिया का बता दिया कि वो 4 साल बड़ी हैं, शर्ली का बता दिया कि वो 2 साल छोटे हैं, कि इनके साथ इसका रिलेशन बन रहा है प्रिया के साथ, यानी इनकी एजेस का लिंक किसके साथ बन रहा है, प्रिया के साथ बन रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, हम लेट करेंगे प्रिया की एज कितनी है कि एक्स है, एक्स ईयर्स, ठीक है। लेट प्रियास एज इक्वल टू एक्स ईयर्स, ठीक है। हमने क्या किया, प्रियास की एज लेट कर ली कि कितनी है, एक्स ईयर्स हैं, ठीक है। हमें प्रिया की एज का हम लेट करेंगे तो देन हम उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं ना कि एम्ब्रिया 4 साल बड़ी है, यानी कि प्रिया की एज में अगर 4 ऐड कर दिया जाए तो किसकी एज बनती है, एम्ब्रिया की एज बनती है। अगर उसको उसमें से 2 को लेस कर दिया जाए, यानी कि एक्स माइनस 2 कर दिया जाए, तो किसकी एज बनेगी, शर्ली की एज बनेगी, क्योंकि शर्ली क्या है, 2 साल छोटे हैं, यानी कि उनकी एज 2 साल कम है, तो कम मीन्स टू से माइनस करना पड़ेगा। एम्ब्रिया 4 साल बड़ी हैं, तो बड़ी के लिए हम क्या करना पड़ेगा, हमें ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारे पास अब किसकी एज, लेट हमारे पास एम्ब्रिया की एज क्या बनेगी, एम्ब्रिया एज इक्वल टू एक्स प्लस 4 ईयर्स, ठीक है। कैसे, कि जो एम्ब्रिया हैं वो 4 साल बड़ी हैं प्रिया से, तो हमने प्रिया की एज में 4 ऐड कर दिया, तो किसकी एज बन गई, एम्ब्रिया की। अब हम बनाएंगे शर्ली की एज, शर्ली एज, अच्छा ये यहाँ पे लेट नहीं आएगा, देन आएगा, इसको आप देन करते हैं, ठीक है। चूंकि ये हम लेट नहीं कर रहे, ये चीज़ आपके पास गिवन है, तो हम उसको लिख रहे हैं, शर्ली एज इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 2 ईयर्स, ठीक है। प्रिया की एज से हम 2 ईयर्स को लेस कर दें तो किसकी एज बनती है, शर्लीज की एज बनती है, ठीक है। आपने यहाँ पे देन देन लिखना है, लेट हमने फर्स्ट जब प्रिया की एज की तब लिखना है, ठीक है। तो ये हमारे पास प्रिया की एज हो गई एक्स ईयर्स, एम्ब्रिया की एज हो गई एक्स प्लस 4 ईयर्स, और शर्ली की एज कितनी होगी, एक्स माइनस 2 ईयर्स, ठीक है। देन नेक्स्ट चलते हैं, इफ़ द सम ऑफ देयर एजेस इज 47, कि उनकी जो एजेस हैं उसका सम कितना है 47, तो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट इनको ऐड करें यानी इनका सम लें, तो आंसर कितना आता है 47, यानी कि x प्लस 4 प्लस एक्स माइनस 2, इसको इनकी तीनों की एजेस को, इस एज को, प्रिया की एज को, एम्ब्रिया की एज को एंड शर्ली की एज को ऐड किया, मैंने सम लिया, तो आंसर कितना आएगा 47, जो कि क्वेश्चन में आपको गिवन है, ठीक हो गया। तो x को हम कंबाइन कर लेते हैं, इकट्ठा लिख लेते हैं, प्लस 4 माइनस 2 इक्वल टू 47 आ गया, ठीक है। x प्लस x तो ये कितना बन जाएगा 3x प्लस 4 माइनस 2 2, तो यहाँ क्या आ जाएगा 3x प्लस 2 हो जाएगा इक्वल टू 47, ठीक हो गया। 4 में से 2 लेस किया तो आंसर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। देन अब आपने क्या फाइंड करना है, x फाइंड करना है, तो 3x हम एक साइड पर रखते हैं यानी वेरिएबल की वैल्यूज़ को, और ये जो आपका कॉन्स्टेंट है इसको हम राइट हैंड साइड पे मूव करवाते हैं। तो जब मूव करवाएंगे तो इसका साइन प्लस से किस में चेंज हो जाएगा, माइनस में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो 47 माइनस 2 हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा, 45 आ जाएगा, ठीक है। तो 3x इक्वल टू 45, अब x क्या आपके पास हो जाएगा, x इक्वल टू 45 डिवाइडेड बाय 3, तो x इक्वल टू 3 बंदा कैंसिलेशन करें, 3 बंदा 3, 3 बंदा 3, 3 5 था 15, तो x आपके पास कितना आ गया 15 ईयर्स,
तो ये आपके पास किसकी एज आ गई, प्रिया की एज आ गई, जो कितनी है 15 ईयर्स हैं। ठीक है, अब उन्होंने कहा था आपने क्या करना है, फाइंड देयर रिस्पेक्टिव एजेस, यानी तीनों की एजेस बताएं। तो प्रियाज एज कितनी बनी, प्रियाज एज इक्वल टू 15 ईयर्स। ठीक है, प्रिया की एज हो गई। देन हमने एम्ब्रिया की एज क्या कंसीडर की थी, जो हमें स्टेटमेंट की हेल्प से हमने बनाई थी, वो कितनी है, एक्स प्लस 4 ईयर्स। एक्स प्लस 4 ईयर्स, तो एक्स की जगह पे आप क्या पुटिंग करेंगे, 15। 15 प्लस 4 आप करेंगे तो क्या आ जाएगा आंसर, 19 ईयर्स। तो एम्ब्रिया की एज कितनी है, एम्ब्रिया की एज बन गई 19 ईयर्स। प्रिया 15 साल की हैं, एम्ब्रिया कितनी है 19 ईयर्स की हैं। ठीक है, 19 साल की हैं वो। देन शर्लीस की एज फाइंड आउट करते हैं, शर्लीस एज इक्वल टू एक्स माइनस 2, यानी कि 15 माइनस 2, तो आंसर क्या आ गया, 13 ईयर्स। यानी कि जो शर्ली हैं वो 13 साल के हैं, प्रिया 15 साल की हैं, एम्ब्रिया क्या हैं, 19 साल की हैं। एम्ब्रिया 4 साल बड़ी हैं प्रिया से, शर्ली क्या हैं वो प्रिया से 2 साल छोटे हैं। तो ये आपके पास प्रिया की एज 15 ईयर्स, एम्ब्रिया की एज 19 ईयर्स एंड शर्ली एज 13 ईयर्स। तो ये आपके पास आंसर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 आपका कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। द सम ऑफ टू नंबर्स वन ऑफ विच इज़ 2/3 ऑफ द अदर इज 45, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर। उसने कहा कि दो नंबर्स हैं, ठीक है, दो नंबर हैं जिनका सम कितना है 45। टू नंबर्स हैं, उनको ऐड किया गया तो आंसर कितना आया है 45। अब उसने कहा कि जो दो नंबर्स हैं उनमें से एक नंबर क्या है, वो दूसरे का 2/3 है, यानी 2/3 मीन्स टू से 2/3 है। एक नंबर आपके पास, फॉर एग्जांपल हम लेट कर लेते कि नंबर क्या है, एक्स ले लें, एन ले लें, जो दूसरे वाला नंबर है वो क्या होगा, वो पहले का 2/3 होगा, ठीक है, 2/3 होगा। देन उन दोनों को जब आप ऐड करेंगे, उनका सम लेंगे, तो आंसर कितना आएगा, 45। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, लेट करते हैं, लेट द ग्रेटर नंबर विल बी, आपके पास जो ग्रेटर नंबर होगा, ग्रेटर नंबर इक्वल किसके हो जाएगा, x। ठीक है, आप n कह दें, x कह दें, वो बेटा आपकी मर्जी है, आप कोई भी वेरिएबल कंसीडर कर सकते हैं। तो हमने कहा कि जो ग्रेटर नंबर, एक नंबर हमने फर्स्ट नंबर कंसीडर कर लिया, उसे हमने कहा कि वो ग्रेटर नंबर है, वो क्या है, x है। जो आपके पास जो सेकंड नंबर है वो 2/3 है, फर्स्ट ग्रेटर क्यों हुआ, चूंकि वो बड़ा नंबर है तो दूसरा उसका 2/3 बनाना, 2/3 उसका तभी बनेगा ना, उसका 2/3 तभी बनेगा अगर पहला नंबर जाहिर सी बात है बड़ा है, 4 ले लें, 5 ले लें, उसका 2/3 जो उनसा होगा कम लेस करने से, या उसका जैसे भी उसको उसमें से माइनस करें, आप उसके अंदर लेस कर दें, या उसका 2/3 कंसीडर किया जाए, तो वो क्या दूसरा नंबर बनेगा, वो क्या होगा, वो छोटा होगा पहले से। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, लेट ग्रेटेस्ट नंबर हमारे पास क्या हो गया, x हो गया। देन स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा, देन सेकंड स्मॉलेस्ट नंबर, सेकंड लिखें या ना लिखें वो आपके बच्चे मर्जी है, स्मॉलर नंबर क्या आपके पास आ जाएगा, इक्वल टू 2/3 ऑफ द अदर, पहले का कितना है 2/3 है, यानी 2/3 मल्टीप्लाई हो गया x। तो ये इम्प्लाइज दैट आपके पास क्या बन जाएगा, 2x/3, यानी कि आपके पास जो दूसरा नंबर है, जो स्मॉलेस्ट नंबर आपके पास होगा, वो क्या है, पहले ग्रेटर नंबर का 2/3 है। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, बन जाएगा 2x/3। अब उसने नेक्स्ट बात क्या की, कंडीशन आपको बताई थी कि दोनों का सम लें, ये नंबर और इस नंबर को ऐड करें, सम लें, तो आंसर कितना आता है, 45। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट करते हैं, x प्लस 2x/3 इक्वल टू 45। ठीक है, हमने दोनों नंबर्स को ऐड किया तो हमारे पास आंसर कितना आया, 45। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है, आपके पास 2 वेरिएबल्स हैं, तो यहाँ पे LCM लेते हैं। LCM लेने के लिए हम क्या करते हैं कि डिनोमिनेटर सेम करते हैं, तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हमें क्या चाहिए, नीचे 3 चाहिए, तो यहाँ ऊपर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे 3 से डिवाइड कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, 3x/3 प्लस 2x/3 इक्वल टू 45। ठीक है, अब LCM लेते हैं, 3x प्लस 2x इक्वल टू 45। तो 3x+2x आपके पास क्या बन जाएगा, 5x/3 इक्वल टू 45। ठीक है, अब आपके पास क्या हो जाएगा, 3 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ जाके क्या हो जाएगा आपस में, यहाँ 45 के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो 5x इक्वल टू 45 मल्टीप्लाई बाय
3। ठीक है, हमें हमने क्या किया, 5x को सेपरेट करना था, इसके नीचे डिनोमिनेटर 3 था, तो हमने क्या कर दिया, 3 को हमने राइट हैंड साइड पे मूव करवाया, तो यहाँ ये डिवाइड है, तो जब ये साइड चेंज करेगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। या आप ऐसा कह सकते हैं कि इस 3 को यहाँ से ख़त्म करना है, तो बोथ साइड्स भी हम क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ जब 3 मल्टीप्लाई होगा तो वो और ये डिनोमिनेटर वाले दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो रिमेनिंग क्या रह जाएगा, 5x रह जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 5x इक्वल टू 45 को 3 से आप मल्टीप्लाई करेंगे, क्या 45 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये आपके पास क्या आंसर आ गया, 135। ठीक है, तो ये आपके पास 5x किसके इक्वल आ गया, 135 के। आपने क्या फाइंड करना है, x, तो यहाँ x इस साइड पर था, 5 को उस साइड पे मूव करवाएंगे, तो 5 क्या हो जाएगा, जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, 135 डिवाइडेड बाय 5। कटिंग करते हैं, 5 1 5, 5 2 10, 5 7 35। तो x आपके पास कितना आ गया, 27। 5 पे हमने कटिंग की, 5 ने 135 को डिवाइड किया, तो आंसर कितना आ गया आपके पास, 27। तो ग्रेटेस्ट नंबर आपके पास क्या आ गया, 27। तो ग्रेटेस्ट नंबर इक्वल टू 27। अब उन्होंने क्या कहा था, आपने क्या चीज़ फाइंड करनी है, स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है, तो स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो जाएगा आपके पास, स्मॉलर नंबर इक्वल टू, स्मॉलर नंबर क्या था हमारे पास, 2/3 ऑफ द ग्रेटर नंबर। ठीक है, फर्स्ट नंबर का क्या था, 2/3 था, तो ये क्या हो जाएगा, 2/3, यहाँ एक्स, एक्स की जगह पर 27 पुट करेंगे हम, ठीक है, 2/3 x की जगह पे क्या आ जाएगा, 27। ठीक है, तो ये हमारे पास ग्रेटेस्ट नंबर 27 आया। उन्होंने हमसे जो चीज़ पूछी है वो पूछा है स्मॉलर नंबर, तो स्मॉलर नंबर क्या था, फर्स्ट नंबर का 2/3 था, ठीक है, 2/3 था फर्स्ट नंबर का, तो x की जगह पे हमने क्या किया, 27। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं, 3 1 3 3, 9 27। ठीक है, तो जब आप 9 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 9, तो ये आंसर क्या आ जाएगा, 18। तो जो आपके पास स्मॉलर नंबर है, यानी जो सेकंड नंबर है, वो कितना है, 18। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर आपका 27 बन गया, जो स्मॉलर नंबर है, जब फर्स्ट नंबर का 2/3 किया जाएगा तो आंसर क्या आता है, 18। तो ये आपके पास सेकेंड स्मॉलर नंबर आ गया, 18। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 आपका कंप्लीट हुआ। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। स्टे ब्लेस्ड।